This is just like that. Yeah. यो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसा आप सब? मुझे लगता है सभी बढ़िया होंगे। सेकेंड डे में आज आप सभी का स्वागत है। और अभी मुझे सुबह के 7:30 उठ गया हूँ। यस, कल रात पार्टी करने के बाद भी उठ गया हूँ। 7:30 बजे और मैं जा रहा हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट तो खैर ब्रेकफास्ट के वहीं पे जो वॉशरूम है वहीं पे हूँ। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ब्रेकफास्ट यार, वेजिटेरियन को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर ग्रीन और रेड साइंस है नहीं बिल्कुल भी, और मैं एक वेजिटेरियन हूँ, सिर्फ वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता हूँ। तो लेट्स सी अब इसे कैसे पहचानना और किसे कैसे खाना खाना है। डोंट नो, लेट्स सी हाउ डू मैनेज क्या करें। जिंदगी में पहली बार ऐसा नाश्ता कर रहा हूँ मैं जहाँ पे ये सब है भाई। कुछ खाने लायक है ही नहीं चीज़, जो मिला मैंने उठा लिया, थोड़ा बहुत पेट भर जाए। बाकी लंच तो इंडियन रेस्टोरेंट्स में ही कर रहा हूँ मैं, लंच एंड डिनर। तो ये ब्रेकफास्ट है, लेट्स सी। इन कंट्रीज़ की दिक्कत ये है कि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि भाई नॉन वेज, क्योंकि कंट्रीज भी वैसी ही हैं भाई, सी से लगते हैं। मैं जो उबली हुई गोभी पहली बार खा रहा हूँ, लस्सी ठीक है, खाना ठंडा ठंडा है, बट यहाँ पे ऐसे भाई। आज से नाश्ता करने के बाद निकल चुके हैं बाहर और लेट्स सी कहाँ जाते हैं, मौसम कैसा साथ देता है कैसा नहीं। मौसम के हिसाब से रखा हुआ है, कुछ ज़्यादा फैंसी पहना है नहीं क्योंकि मुझे पता है तो भीग भाग जाएगा, तो ऐसा पहनो जो मैं। सो भाई हम आए अभी एक केव्स में जो यहाँ की कल्चरल साइट है काफी। मौसम आज ठीक है फिलहाल तक तो, बाकी आगे देखते हैं कि कैसा होगा मौसम। लेट्स सी यहाँ पे लोग बहुत इंटरेस्टिंग हैं, मतलब कि भाई बढ़िया 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 है सारे ए टू बे। ओके सो भाई यहाँ देखो मैं, लेट्स सी हाउ मच कैलोरीज यू बर्न। भाई काफी ये काफी ऊंचा 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 करके जाता रहेगा तो लेट्स सी भाई। ये तो कुछ अच्छा, यहाँ पे चीजें स्मेल बहुत अच्छी करती हैं क्योंकि लोग जगह जगह ये अगरबत्ती टाइप्स लगा के रखते हैं। तो भाई अगर तुम्हें स्टीपनेस से डर लगता है तो यहाँ तो बिल्कुल ही बताना, ये एरिया बहुत ज़्यादा स्टीप है। वाली सीढ़ियों पे हर कोई नहीं चढ़ सकता क्योंकि ये बहुत ही ऐसे स्टीप 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 करके ऊपर जा रही है, तो हर कोई जा भी नहीं रहा है, बट हम जवान हैं तो हम नहीं जाएंगे 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 कहाँ पे? ओ भाई लिटरल ऊपर है सी। डेडली भाई ये तो पतले हो तो हार्ट बीट 146 नीचे कर लो। फक भाई यहाँ से निकल के
ये पूरा सुनार का व्यू। ओके यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं क्या? नहीं अब है मेन टास्क नीचे उतरना। कैसे उतरे भाई? टिप है और स्लिपरी ऊपर से। कोई संभालने का नहीं, संभालने का नहीं, संभालने लायक छोड़ेंगे नहीं किसी को। भाई करना है, मेरी तो बहुत लगी है। जो अभी जहाँ आपको लेके गया था वो था हेवन का पार्ट, दैट वाज हेवन। और अब जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो नर्क का पार्ट है। इधर है भाई, इधर ये वाला जो पार्ट है जहाँ मैं अब लेके जा रहा हूँ, दैट इज द पार्ट ऑफ नर्क कह लो, पाताल लोक कह लो। तो ये जो केव्स है वो हेवन का है, तो वो ऊपर की तरफ जाता है। ये नर्क है तो ये नीचे की तरफ जाता है, लाइक दैट। एंड ये शायद थोड़ा सा इजी होना चाहिए। अगर टू रूट, एक ये एक ही लस्सी और ये देखते हैं कहाँ जा रहा है। अब ये सारा ये देखो, वहाँ पर सारे भगवानों की मूर्ति बनी हुई थी, यहाँ सारे राक्षसों की। ये रास्ता भी काफ़ी छोटा होता जा रहा है। सो एक ये मूर्ति, अब सारे राक्षसों की मूर्ति चालू होते जा रही है। दिस इज द लास्ट। इंसान शायद इनके हिसाब से सजा देने वाला पूजा सांप। ओके गॉट इट। ज़्यादा देर नर्क में नहीं रहने का, वापस स्वर्ग की तरफ जाने का। दीज आर द डिफरेंट गॉड्स मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता लग रहा है। अलग अलग वेयर यू हैव टू गो, हेवन और लाइक नर्क टाइप्स। So guys, this is the place. My son, जहाँ अभी हम आए हैं, the world cultural heritage. इसमें Indians के बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। और this is the place. यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन कल्चर भी दिखाया गया है, तो लेट्स सी अंदर जाके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। अब वो तो अंदर ही पता लगेगा भाई। आज थोड़ा दिन में ऐसा हो रहा है कि घूमने को मिल रहा है, घूम रहे अलग अलग जगह पे, घूमेंगे घूमेंगे फिर रात को तो अय्याश है ही। ओ भाई, ये यहाँ का कल्चरल नहर पर ये ऐसी ऐसी टूर के लिए कैब्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिक कैब्स होंगी। तो बढ़िया सा मौसम हो रहा है। वो पहाड़ के ऊपर देखो, बादल ही बादल, बादल ही बादल। सो यहाँ पे हम कुछ टेंपल्स को देखने आए हैं, एंड लेट्स सी कैसा होता है। और कहते हैं कि थोड़ा सा हिंदू कल्चर से भी
मिलता जुलता है ये चीज़ें, और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था ये जब वियतनाम और अमेरिका की वॉर चल रही थी उस टाइम पे, ये जगह भी काफ़ी जगह डिस्ट्रॉय हो गई थी। बट जो बची कुची है उसे हम दिखाते हैं आप लोगों को, मज़ा आएगा। बेसिकली इस जगह का मैंने जैसे कि बताया था आप लोगों कि ये वाली जो है ये सब पूरा का पूरा 10th century में यहाँ के किंग्स के थ्रू बनवाया हुआ था। बट इसमें एक वो है, लॉजिक है, पर ये ब्रिक्स है वो तो 10th century से है, बट ये जो काली पड़ गई है ब्रिक्स, ये 1999 से है जब इसकी रिस्टोरेशन हुई थी वॉर के बाद। तो सोचो ये जो 10th century से है ये तो इसमें तो अभी भी नयापन है, पर जो 1999 से है ये काला है, अभी भी काला हो गया अभी इतनी जल्दी। तो कुछ टेक्नोलॉजी थी, सो क्लीन भैया, इतना साफ पानी तो हमारी टंकियों में भी नहीं है, तो यहाँ पर बह रहा है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। हाउ न्यू, कितनी नई लगती हैं ईंटें, बट या 1000 साल पुरानी ईंटें हैं, 1000 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी ईंटें हैं। गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, अपने को मिल गया पानी, ओह ठंडा पानी है। इट्स 3:30 इन द आफ्टरनून और अभी लंच के लिए आए हैं, लंच करेंगे थोड़ा सा और फिर एक मस्त चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत ही सेक्सी, जो वियतनाम में ऑलमोस्ट हर कोई करता ही करता है। सो दिस इज़ द प्लेस वहाँ जहाँ पे लंच करेंगे। तलवार मिल गया चीज़ चलने के बाद मज़ा ही आ गया। अभी एक मार्केट सुना है,
की लोकल मार्केट है। तो देखते हैं भाई डेकोरेशन प्यारी प्यारी हो रखी है जो भी हो यहाँ पे। तो अब इस बोट में जा रहे हैं, इस बोट में एक राइड लेने के लिए जा रहे हैं। लेट्स सी क्या करना है। तो ये लैंटेन है, अब इसे रिवर में डालेंगे। नीचे डाल उसको, नीचे कर देना। हो गया भाई। यहाँ पे ये इनकी शॉपिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे ये लोकल खाने पीने का सामान है पूरा। ये लोकल शॉप्स ऐसी बहुत सारी जिन पर आप लोगों को बहुत सारा सामान मिल जाएगा। प्राइसेस ठीक है, मतलब मीडियम रेंज के प्राइसेस है, तो ओके ओके है। स्ट्रीट पे घूमने का मजा अलग है, हर जगह चारों तरफ लोग ही लोग। और मोस्ट ऑफ द लोग फॉरेनर्स हैं, आराम से घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं। अच्छी जगह है, शांत जगह है, अच्छी बनी हुई है।